आज सुबह जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर AB 17 मथुरा रोड प्रगति मैदान के सामने जो है जो घटना घटी है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना घटी होगी जहां पर पुलिस का प्रयोग करते हुए पुलिस की सांठ गांठ के साथ उनके पूरे प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पर उनके परिवार वालों पर हमला किया है। दिल्ली की राजनीति में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी होगी। प्रोटेस्ट होते हैं, ऑफिस में होते हैं, जब कोई पॉलिटिकल लीडर पब्लिक डीलिंग के टाइम पे घर पर अवेलेबल होता है वहां होते हैं, लेकिन कभी भी परिवार पर हमला नहीं होता है। एक ऐसे समय पर जब उप मुख्यमंत्री का शेड्यूल उन्हें सचिवालय में दिखा रहा है, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे जाते हैं, उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बैरिकेड हटा दिए जाएं, उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इन गुंडों को घर के अंदर घुसने दिया जाए। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को इंस्ट्रक्शन देता है और दिल्ली पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन देता है? एक ही व्यक्ति है और वो है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे, जिन्होंने अपनी पुलिस को उन गुंडों के प्रोटेक्शन के लिए भेजा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के परिवार पर हमला किया जाए। क्या अमित शाह जी उप मुख्यमंत्री जी के परिवार को मरवाना चाह रहे हैं जो उन्होंने इतनी तादाद में वहां पे गुंडों को भेजा? क्या ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बदला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2020 में हुए चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार गई? क्या ये बदला है कि उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, गाली गलौज कर लिया, इलेक्शन के दौरान हमले करवा दिए, लेकिन दिल्ली वालों ने अपना एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और मनीष सिसोदिया जी को उप मुख्यमंत्री बनाया? और आज जो एनसीडी के हालात दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरह से एनसीडीसी नाराजगी है, अमित शाह जी को पता चल गया है क्योंकि वो आफ्टर ऑल पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है भाजपा के, उन्हें पता चल गया है कि एमसीडी के इलेक्शन में भी वही होने वाला है जो अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ, और वही बौखलाहट है जो उनके रोज रोज के एक्शंस में दिख रही है। अभी 2 दिन पहले हाय,